हेलो हैलोर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर तो इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं टी एग्जाम्पल बुक एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर टू तो थ्री पे क्वेश्चन नंबर के टोटल टेन पार्ट है तो so, इसमें हम सबसे पहले हैं फर्स्ट फर्स्ट पार्ट माइनस थ्री एक्स माइनस वन तो आपको ये इक्वेशन की वन है अब इसका करना क्या है कि फाइंड द दीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिम बाय फैक्टराइजेशन मैथड तो आपको इस इक्वेशन को क्या करना है फैक्टराइज करना है फैक्टराइज uh, कर, के और इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड द कॉफिशंट ऑफ द पॉलिमल उसके बाद आपको इसके जीरोस और इसके जो कॉफिशेंट है उसके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है तो आपको कैसे फाइंड करना है बाई फैक्टराइजेशन मैथड से तो यानी कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके और इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखो हमारी जनरल इक्वेशन जो जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने वाली हो पहले वो हम लिख लेते हैं तो हमारी जो क्वालिटिक इक्वेशन uh, की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो यहां पे आपको कॉफिशियंट देखना है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट आपका यहाँ पे क्या है ए है तो ये यह हमने यहाँ पे लिख लिया ए यानी कि जो भी इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे एक्स स्क् कॉफिशियंट यहाँ फोर है तो ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फोर फिर एक्स के कॉफिशियंट को हम कहते हैं

जीरोज तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है हमारा माइनस बी बाई ए के और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर वो माइनस बी बाई ए वैल्यू पुट करके इक्वल आपका आना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट है वो सी बाय माइनस वन बाय फोर के इक्वल आना चाहिए तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या, क्या करना है क्योंकि ये रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आपको अल्फा बीटा चाहिए तो पहले हम अल्फा बीटा फाइंड करते हैं ओके okay, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन को एथिक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन ले लिया नाउ टू फाइंड जीरोस अब आपको जीरोस फाइंड करने जीरोस फाइंड करने के लिए हमेशा इस इक्वेशन को इक्वल जीरो रखना होता है तो ये कंडीशन है कि जीरोस जब भी फाइंड करना है इक्वेशन आपकी इक्वल जीरो होनी चाहिए तो वो हमने जीरो यहाँ पर पुट कर लिया अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है यानी कि थ्री को यहाँ पे स्प्लिट करना है तो उसको स्प्लिट करने के क्या रूल है स्प्लिट करने के लिए आपको दो नंबर इस तरह से चाहिए कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ पी एंड क्यू ले लेती हूँ यानी कि यहाँ पे देखो आपका कांस्टेंट का साइन क्या माइनस है तो उन दोनों नंबर को माइनस करने पर ठीक है तो कांस्टेंट का साइन देखना माइनस करने पर बी आना चाहिए बी यहाँ पे कितना है थ्री तो मैं यहां पे क्या कर रही हूँ साइन नहीं लेती हूँ साइन लेने से आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे सबके लिए रूल फिर अलग अलग हो जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या करो सिर्फ पॉजिटिव को देखो यहां बी आपका माइनस है सी माइनस वन है लेकिन आप सिर्फ जब मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं तब हम हमसे पॉजिटिव देख लेंगे तो यहां माइनस है इसलिए माइनस करने पर थ्री आना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ए इंटू यानी इंटू वन फोर आना चाहिए तो अब आप यहां पे फोर के फैक्टर बना लो तो हमारे तो पास दो फैक्टर होते हैं फोर के टू इंटू into... टू भी आपका फोर होता है और फोर इंटू वन भी आपका फोर होता है लेकिन देखो टू इंटू टू फोर होता है लेकिन टू माइनस टू आपका जीरो हो जाएगा तो ये नहीं हो रहा फिर फोर इंटू वन फोर होता है लेकिन फोर माइनस वन आपका थ्री हो जाएगा तो हमारा ये वाला सही बैटर है कि हमें दो नंबर ऐसे मिल गए जिनको सब्ट्रैक करने पर हमारा थ्री आ रहा है और जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा फोर आ रहा है तो अब हम इस थ्री की जगह पर क्या रख देंगे फोर माइनस वन तो ये बहुत सिंपल है आप इस तरह से फैक्टर बना के तो मैंने यहाँ साइन इसलिए नहीं लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाकी अदरवाइज साइन के अकॉर्डिंग आपको देखना

में से आ रहा आपका यहाँ फोर एक्स यहां भी फोर एक्स है तो फोर एक्स कॉमन आ गया तो, तो, फिर फिर तो मल्टीप्लाई करने पर यही टर्म आएगी तो जो साइन यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा प्लस होगा तो प्लस आएगा माइनस आएगा तो माइनस आएगा आपने वन कॉमन लिया तो अंदर वाली टर्म आपकी एज इट इज रहेगी तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन ये दोनों सेम ब्रैकेट होने चाहिए

x minus 1 equal to 0, तो this implies x तो इधर हो हो गया और next गया और आपका एक्स माइनस वन इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में देखो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा जो मल्टीप्लाई हो गए वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से हमारी x की दो वैल्यू आ गई एक x इक्वल टू वन आ गया x इक्वल टू माइनस वन बाई फोर आ गया इन दो वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे एक्स की जगह पे उसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका राइट एंड साइड यहां पे जीरो आएगा तो जीरो मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे जिससे कि यहां तो ये, ये दो वैल्यू जो इक्वेशन को लेफ्ट में पुट करने पर राइट right आपका हमेशा जीरो आएगा ना तो अब हम इसमें से एक को अल्फा ले लेते हैं और दूसरे को बीटा ले लेते हैं ये हमारे जीरोज हो गए तो जीरो को हम अल्फा बीटा से डिनोट करें क्योंकि हमें रिलेशनशिप यहां पे ये रिलेशन वेरीफाई करना है तो लेट किसी को भी ले लो अल्फा इक्वल टू वन ले लिया एंड बीटा इक्वल टू मैंने माइनस वन बाई फोर ले लिया अब हम इसको रिलेशन को वेरीफाई करते हैं तो ये दोनों हमारे रिलेशन है तो फर्स्ट जीरो हमने हमने फर्स्ट इक्वेशन जो पे ले की नाव एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा हमारा यहाँ वन है फिर प्लस बीटा हमारा यहाँ माइनस वन बाय फोर है नाउ इसको सॉल्व करो वन प्लस माइनस माइनस वन माइनस वन बाय फोर तो ये हमारा होता है थ्री बाय फोर वन में से वन बाय फोर गया तो थ्री बाय फोर ही बचता है नहीं तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो यहाँ पे फोर एलसीएम आएगा फोर वन के टेबल में फोर आता है फोर टाइम तो फोर माइनस वन यहाँ पे आपका थ्री हो जाएगा नाउ हो नेक्स्ट इसका राइट हैंड साइड हम यहाँ पे चेक करते हैं तो राइट हैंड साइड है हमारा माइनस बी बाय ए तो बी यहाँ पे कितना है माइनस थ्री आपको जनरल इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी सी लिखना है तो बी यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस थ्री तो मैंने यहाँ पे लिख लिया देखो माइनस आइडेंटिटी का पहले से बी हमारा है माइनस थ्री और ए तो ए कितना है यहाँ पे हमारा फोर आ रहा है तो ये हमने फोर लिख लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो ये आपका आ रहा है थ्री बाय फोर तो यानी कि एल भी आपका थ्री बाय फोर आर भी आपका थ्री बाय फोर तो आप लिखोगे हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो हैंड्स प्रूव्ड हैंड्स सॉरी वेरीफाइड तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया नाउ सेकंड देखते हैं सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता होता है c by a होता है c a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा यही होता है तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा कितना है हमारा वन बीटा कितना है माइनस वन बाय फोर तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लायन इंटू वन वन हो गया डिनोमिनेटर फोर का फोर ही रह गया या वन बाय वन भी ले सकते हो तो फोर इंटू वन फोर हो गया और माइनस यहाँ पे एज इट इज क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया नाउ इसका

तो ये हमने यहाँ पे सेकेंड पार्ट दिख लिया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर सेम एज इट इज जैसे हमने पहले इसको सॉल्व किया मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे ओके okay, तो हमने सबसे पहले एफ एक्स इक्वेशन को एफ एक्स का इक्वल एड कर लिया जनरल इक्वेशन हमारी होती है plus Bx plus C होती है तो ए हमारा एक्स एक्वायर का यानी थ्री हो गया एक्स यानी का कॉफिशियंट आपका कौन है बी है तो यहाँ एक्स का कॉफिशियंट फोर है तो बी यहाँ पे फोर हो गया और कॉन्स्टेंट यानी कि सी यहां पे हो गया माइनस फोर अब आपको जीरो फाइंड करना है तो हमने एफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है तो मैंने इक्वेशन को इक्वल जीरो पुट कर दिया अब अगेन आप यहां पे देखो यहां साइन क्या है नेगेटिव है तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन

टू इंटू सिक्स भी ट्वेल्व होता है थ्री इंटू फोर भी ट्वेल्व होता है और आगे भी हो लेकिन आप यहाँ पे देखो ट्वेल्व इंटू वन ट्व है बट ट्वेल्व माइनस वन आपका फोर नहीं है फिर सिक्स इंटू टू ट्वेल्व है बट सिक्स माइनस टू यहाँ पे फोर है अगर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व है बट फोर माइनस थ्री आपका फोर नहीं है फोर माइनस थ्री वन है तो ये वाला फैक्टर हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है कि सिक्स माइनस टू आपका फोर है एंड सिक्स इंटू टू आपका यहाँ पे ट्वेल्व है यानी कि इस फोर की जगह पे आपको क्या लिख देना है सिक्स माइनस टू लिख देना यानी ये वाला लिख देना फोर की जगह सिक्स लिख देना। है। तो दिस की जगह हमने लिखा फिर आपको सिर्फ सिर्फ सिंपल तरीका हो गया टर्म स्प्लिट कर दिया। अब आपको सिर्फ इसको क्या करना है ओके okay? तो ये यह आपका यहाँ पे हो गया थ्री एक्स स्क्स इन एक्स सिक्स एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस टू इंटू एक्स यहाँ पे टू एक्स हो गया माइनस फोर इक्वल टू जीरो अब इसको चेक कर लो सिक्स एक्स में से टू एक्स गया सिक्स में से टू गया तो फोर बचा तो फोर ही है और प्लस का साइन बढ़ा है तो प्लस आ जाएगा और एक्स इसके साथ में लग जाएगा नाउ फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन ले लो तो फर्स्ट में से आपका थ्री कॉमन आ गया क्योंकि थ्री के टेबल में थ्री आता है थ्री के टेबल में सिक्स आता है टू टाइम फिर एक्स यहां टू टाइम है एक्स यहां वन टाइम है तो वन टाइम वाला यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहां से थ्री एक्स कॉमन आ गया बट एक्स टू टाइम था तो एक्स बच गया थ्री के टेबल में सिक्स आया टू टाइम एक्स हमने पहले से बाहर ले लिया तो एक्स प्लस टू बच गया नाउ यहाँ पे जो भी साइन आएगा वो कॉमन आएगा तो नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन आएगा फिर टू के टेबल में टू आता है वन टाइम टू के टेबल में फोर आता है टू टाइम तो यहां टू कॉमन आ गया तो माइनस माइनस आपका बाहर आया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ये माइनस टू एक्स है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो टू तो हमने बाहर ले लिया यहाँ से सिर्फ एक्स बचा और ये माइनस आपका बाहर चला गया तो यहाँ हो गया प्लस टू के टेबल में फोर आता है टू टाइम ओके तो ये ब्रैकेट आपका रिपीट हो रहा है इसको हम यहाँ पर एक बार लिख लेंगे और फिर थ्री और माइनस तो ये हो गया थ्री और माइनस टू हो गया तो वैन एक वन बाय वन लेते हैं वैन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस टू हो गया और वैन थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो दिस एम्प्लाइज थ्री एक्स माइनस टू इधर आके प्लस टू हो गया और एक्स इक्वल टू आपका टू बाय थ्री हो गया यानी कि दो जीरोज हमें चाहिए थे वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं एक ज़ीरो को अल्फा ले लेते हैं और दूसरे को यहाँ पे बीटा ले लेते हैं लेट एल्फा किसी को भी कुछ भी ले लो एल्फा मैंने माइनस टू ले लिया एंड बीटा इक्वल टू मैंने यहाँ पे टू बाय थ्री ले लिया तो नाउ वेरीफाई करना है वेरिफिकेशन तो इक्वल टू माइनस बी बाई होता है तो अब सबसे पहले हम देखते हैं तो कितना है माइनस टू प्लस बीटा कितना डिवाइड तो कि करो वही नंबर आता है तो थ्री और वन का एल्सियम हो गया थ्री वन के टेबल में थ्री आता है आपका थ्री टाइम तो थ्री इंटू टू हो गया सिक्स माइनस एज इट इज फिर प्लस थ्री के टेबल में थ्री आता है वन टाइम तो वन इंटू टू आपका यहाँ पे टू ही रह गया माइनस प्लस माइनस सिक्स में से टू हो गया तो फोर बचा लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि सिक्स बढ़ा तो माइनस फोर बाय थ्री आ रहा है नाउ राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड हमारा है माइनस बी बाय ए तो यहाँ पे देखो बी कितना है फोर और ए कितना है यहाँ पे थ्री है तो ये आइडेंटिटी का माइनस फिर बी है आपका फोर ए है आपका थ्री तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट इक्वल टू हमारा राइट आ रहा है तो आप क्या लिखोगे हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो हैंड वेरीफाइड तो इसने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया या वेरीफाई करके बता दिया कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय है नाउ सेकंड को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं जो हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाय ए तो नाउ अल्फा बीटा इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो अल्फ़ा इन टू बीटा यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू माइनस टू बीटा की वैल्यू है टू बाय थ्री तो माइनस प्लस माइनस टू इंटू टू फोर जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है टू इंटू टू फोर हो गया अब इसके टोमीटर में कुछ नहीं तो वन लिया थ्री इंटू वन थ्री हो गया नाव आर एच एस लेते हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल टू हो गया c अपॉन ए तो c आपका कितना है यहाँ पे c माइनस फोर है और a कितना है यहाँ पे थ्री तो ये हो गया आपका माइनस फोर बाय थ्री तो यहाँ भी लेफ्ट इक्वल टू राइट है तो आप क्या लिखोगे हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो हैं वेरी फाइट ओके okay, तो ये भी हमने यहाँ पे वेरीफाई करके बता दिया तो सो हमारा यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट है क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया वेरीफाई आपका यहाँ पे होना चाहिए तो इस तरह से आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे देखो इसको आप चाहे तो स्क्रीन शॉट लेके और नोट डाउन कर सकते हो तो, नेक्स्ट वन टू हमने यहाँ किया नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थ्री एंड फोर तो ये फर्स्ट हो गया और नाउ हमारा ये हो गया सेकेंड तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है और आपको ये आइडेंटिटीज़ पता है तो आप इजिल इसको वेरीफाई कर पाओगे थैंक यू